एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। मैं खुले मन से कहता हूँ जिनकी भावनाएं आहत हो रही हो जाए। मैं कहना चाहता हूं जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान से दूर करने की बात करते हो, जो इंसान को गुलाम बनाने की बात करते हो, जो इंसान को पशुओं से बदतर समझते हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। इन धर्म ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे धर्म ग्रंथों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भारत का संविधान है जो हमें मैत्री करुणा भाईचारा सिखाता है, और हमें इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जिनकी भावनाएं आहत होती हो वो अपनी भावनाएं अपने घर रखें। इस देश में 3% लोगों की भावना नहीं है, 97% लोगों की और भी भावनाएं हैं जो इस देश के अंदर रहते हैं। जो लोग इस देश के संविधान को बदल करके यहाँ मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हैं, जो लोग इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, जो लोग इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगा घर भड़काना चाहते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अभी इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लायक और औरत जिंदा हैं, वो तुम्हारा सपना साकार नहीं होने देंगी। कौन सी मिट्टी के लोग हैं ये, कौन से लोग हैं ये, जरा कभी गरेवान में झांक करके देखिए। इन अनपढ़ और कुपढ़ लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए मनुस्मृति अहम हो सकती है, किसी के लिए कुरान अहम हो सकती है, किसी के लिए बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब अहम हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए संविधान अहम है। यह देश के हर एक नागरिक को समझ लेना चाहिए। बुद्ध की धरती पर युद्ध, विदेशों में जाकर के बुद्ध की मूर्ति कटोरे में रखकर भीख मांगने वाले लोग, जो विदेशों में जाकर के कहते हो कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे भीख दे दो, और भारत में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, इन लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के अंदर बुद्ध की धरती पर बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा हो। ये तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये तो चाहते हैं मुल्क हिंदू राष्ट्र हो जाए, या तो भगवा का रंग पूरे मुल्क पर लहरा जाए। कभी कोई हीरोइन भगवा पहन करके नाच रहे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कभी कोई दिल्ली की राजधानी में राजेंद्र पाल गौतम हमारा साथी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहरा देता है तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर बिहार का मंत्री चंद्रशेखर यादव मनुस्मृति या रामायण के किसी श्लोक पर आपत्ति व्यक्त कर देता तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और अगर वही कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा आदमी रामायण की चौपाई ढोल के बार शूद्र पशु नारी पर अपनी टिप्पणी देता तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं उस भावना आहत गैंग से कि हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं, हमने 3000 साल तक गुलामी सही है तुम लोगों की। क्या हमारी भावनाएं नहीं थी? हमारी भावनाएं भी भावनाएं थी। इस देश के अंदर देश की आधी आबादी औरतों की जो भावनाएं हैं, जिनको मनुस्मृति और रामायण में ढोर और शूद्र गवार और पशु जिन महिलाओं को पीटने और मारने की बात कही गई, उनकी भावनाएं भी भावनाएं हैं। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज हरदोई के पिहानी कस्बे में तमाम बंधुओं को जो देश के कोने कोने से, खास तौर से हरदोई के कोने कोने से यहाँ हमारे संघर्ष के साथी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पुत्र हमारे भाई राजरतन अम्बेडकर उनके साथ आए तमाम दो लोगों को सुनने के लिए आप पहुंचे हो, मैं आपका साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपको जय भीम, आपको नमो बुद्धाय करता हूं। बिहानी वालों, आपको मालूम नहीं है आपने कितना बड़ा काम कर दिया है, शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं, आज आपने हजारों लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा करके उनके हिंदू राष्ट्र के रास्ते में एक कील ठोकने का काम किया है। ये पिहानी की धरती से शुरुआत हुई है। सम्मानित साथियों, एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, मैं कवि आदमी हूँ, साहित्यकार आदमी हूँ, पढ़ता हूँ लिखता हूँ, इस देश के ओबीसी समाज से मुझे बड़ी शिकायत है। हम लोग नारा लगाते हैं बहुजन समाज का, बात करते हैं बहुजन समाज की, जो बात बुद्ध ने कही 2500 साल पहले, आज रैदास जी का जन्मदिन है इसलिए मैं कह भी देता हूँ,
बुद्ध ने कहा सब सत्ता सुखी हंतु सब हंतु चखे बिनो सब भद्राणी प्रसंतु मां कंसतु भागनो, यानी सबका कल्याण हो सबका मंगल हो। यही बात बुद्ध, यही बात रैदास ने कही। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संभसे रैदास रहे प्रसन्न। जब हमारी विचारधारा एक है, हमारे पुरखे एक है, हमारे सपने एक है, हमारे सपनों का भारत एक है, तो फिर यहाँ ओबीसी समाज से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ओबीसी समाज के लोग आजकल बहुत काम कर रहे हैं और भी काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर बहुजन समाज की एक बड़ी छतरी बनानी है, एक बड़ा अम्ब्रेला बनाना है, तो ओबीसी समाज को 52% जो इस देश के अंदर है उसको अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और पेरिया लाली सिंह यादव को, रामस्वरूप वर्मा को, जगदेव बाबू कुशवा को और तमाम वो जो हमारे महापुरुष हुए उनको पढ़ना पड़ेगा और ये मंदिर की लड़ाई से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के हम बहुजन समाज बना पाएंगे और तब जाकर के इस देश के हम हुक्मरान बन पाएंगे। हमारा एक साथी है, मैं नाम नहीं लूंगा हालांकि आप समझ जाएंगे, हमारा एक साथी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, यादव समाज से आता है, कानपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, कानपुर देहात में पुखराया में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म अपनाया, उस आदमी ने भी वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और हमने हमारे टीवी चैनल पर वो खबर चली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यादव जी ने हिंदू धर्म छोड़कर के बौद्ध धर्म अपनाया। अगले दिन यादव जी के पेट में दर्द हो गया, वो सफाई देने लगे कि मैंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। ऐसे तो बात नहीं चलेगी। अगर आप धर्म का काम कर रहे हो, अगर आप मिशन का काम कर रहे हो, अगर आप मंच पर आकर एक एक घंटे का भाषण दे रहे हो, तो आपने अगर 22 प्रतिज्ञाएं ली है, पंचशील ली है और बौद्ध भिक्षु के सामने कसम खाई है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आज के बाद आप बाबा साहब और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। ये चलने वाला नहीं है कि मंच पर कुछ और मंच के नीचे उतरने के बाद में कुछ, ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए ये बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है। जो भी लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं वो तमाम लोग महत्वपूर्ण हैं। हम लोग देश भर में जाते हैं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, तमाम लोगों को हम लोग बाबा साहब फूले अम्बेडकर, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन है उससे जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग दिन रात बाहर रहते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं, लेकिन हम ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अंतिम सपना था कि भारत बौद्ध में हो, उसको हम साकार कर सकें, अपने महापुरुषों, अपने पुरखों की विचारधारा को इस देश के अंदर रोप सकें और बता सकें इस देश के मनुवादी लोगों को कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लायक औलाद हैं, हम आपका सपना साकार नहीं होने देंगे। अगर आप सही मायने में चाहते हो कि इस देश के अंदर मानवता, समानता, भाईचारे का राज हो, तो आप ये ध्यान रखना, एक बात कहकर के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, राजरतन जी को भी बोलना है, अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब के सपनों का भारत बने, तो अपने पड़ोस में जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का आदमी रहता हो, उसको बाबा साहब फूले अम्बेडकर की विचारधारा से जोड़ना और बताना कि तुम्हारी मुक्ति का रास्ता मंदिरों से नहीं है, स्कूलों से जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है कि सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। अगर स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख करके IAS PCS प्रोफेसर बनोगे, और अगर मंदिर जाओगे तो पूरी जिंदगी भिखारी रहोगे। तो आपने करना है कौन सी घंटी चुननी है, स्कूल की घंटी चुननी है आपको, स्कूल की घंटी चुननी है आपको या मंदिर की घंटी चुननी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक काम और कर लेना मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक तो ब्राह्मण को घर में बुलाना बंद कर देना और दूसरा तो मंदिरों में जाना बंद कर देना, तुम्हारी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कह करके गए, हमें कुछ नहीं करना, हम पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता, हमें कोई गोली नहीं मार सकता, हमें कोई छू भी नहीं सकता, मेरी गारंटी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने पुरखों की विचारधारा को सिर्फ आगे बढ़ा देना है। और अगर ईमानदारी से आपने फूले अम्बेडकर, कबीर, नानक, रैदास, तमाम महापुरुषों के अपने पुरखों की विचारधारा को आगे बढ़ा दिया, तो मेरा दावा है ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जिनकी भावनाएं आहत हो जाती है, ये मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे और इस देश पर तुम्हारा शासन होगा, तुम्हारा राज होगा, तुम इस देश के हुक्मरान होगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर कहकर के मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं। पिहानी वालों, पहली बार शायद मुझे सुन रहे हो आप, पहली बार पिहानी आया हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।